नमस्कार, गुड मीडिया देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती शर्मा। आज एक अहम विषय मैं आप सभी के सामने साझा करूं, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि अभी आप हमें देख रहे हैं सिटी चैनल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 101 पर। आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर जिसका नाम है सिटी रिपोर्ट हिमाचल। आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक अकाउंट पर, यूट्यूब चैनल पर और ट्विटर पर। और आज का एक जो विषय है, जो अहम मुद्दा है, वो है मझियार जो वार्ड है, शिमला से लगभग 7 किलोमीटर दूर ये पड़ता है वार्ड। और यहाँ के वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है, आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं, किन परेशानियों से ये लोग जूझ रहे हैं, क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो इन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। आज हम जो है वो मझियार गांव पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस रोड की जो है यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसे में क्या परेशानियां जो है वो आप लोगों को जो है वो उसको सामना करना पड़ता है, बताइए। नमस्कार जी। जी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी यहां पे कोई हमारा पेशेंट या कोई मर जाए तो रास्ता नहीं था ले जाने के लिए, शमशान घाट तक भी हम उसको ले जा नहीं सकते थे। होता क्या था कि हम रास्ता बनाते थे, रेलवे आके तोड़ देता। आज इतना काम हो गया, करोड़ों रुपए हमने यहाँ लगा दिए, हमारे पार्षद ने लगा दिए, सरकार ने लगा दिए, लेकिन आज हमको उसी सुविधा से महरूम कर दिया है। अब हमको चढ़ना भी गुनाह हो चुका, क्योंकि ये बुर्जियाँ लगी ना, आप देख रही हैं बुर्जियाँ। और ये कहते कि हमारे एरिया में आप चलते हो तो गैर कानूनी है। जाएं तो कहाँ से जाएं हम। 1970 में मेरे दादाजी की यहाँ गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, यहाँ उनका पूरा शरीर बिल्कुल ख़त्म हो गया, कारण यहाँ रास्ता कोई नहीं था, चढ़ना भी रोड पर, हमने जाएँ कहाँ। आज हमको सुविधा अगर ये सरकार दे देती है, और रेलवे तो हर जगह में है, सबको तो सुविधा दी है, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि हमको सुविधा से महरूम किया है। करोड़ों के काम हो चुके हैं यहाँ पे, 2-3 अवरोध हमारे जो है, सीवरेज बिछ रही है, आप अभी सीवरेज जाएगी, कुछ ऊपर से चली गई है, कुछ यहाँ से जानी है, कैसे सीवरेज जाएगी आपकी। इधर से आपके सरकार कह रही है इसको स्मार्ट सिटी बनाना, शिमला को कैसे स्मार्ट सिटी बनाओगे जब आपके पास सोर्सेज नहीं है, या फिर लोगों को करने नहीं दे रहे। करोड़ों रुपये के टैक्स हम दे चुके हैं, गार्बेज हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, सभी कुछ तो हम दे रहे हैं, फिर अगर हमको उस चीज़ से सुविधा नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा उस देने का। आप पूरा सर्वे करिए, चलिए, आपने जहाँ भी चढ़ना है आपको हम दिखाते हैं, बेंचेज लगे हैं, रास्ते बने हैं, लाइटें लगी है, नाले बने हैं, सबको तो सुविधा मिल चुकी है। यहाँ पे फंसा दिया हमको, एक पॉइंट पे उधर लगा दिया, तो सरकार सुन ले हमारी व्यथा को। ये कोई पर्सनल मेरा कोई, मैं ही नहीं मांग रहा अपने लिए, ये तो सारे लोग मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मरना जीना तो आजकल तो कोविड आ गया, अब तो बहुत मर रहे हैं, ले कहाँ जाएंगे हम, और ये सुविधा हमारे को कौन देगा, और किससे हम प्रार्थना करें। इसका विचार कुछ आप हमारे विचारों को सरकार तक पहुंचा दो, हमारी आवाज़, कुछ लोगों की आवाज़ जो है, सभी लोगों, मेरी नहीं, सारे लोगों की आवाज़ यही है। और 1 तारीख को हम यहाँ पे धरना देने जा रहे हैं 1 अक्टूबर, जिसके लिए हम रेल रोको अभियान भी लगाएंगे, और कुछ हो सका तो उसमें जो कुछ भी होगा, हमको कुर्बानियाँ भी देनी होगी, हम दे देंगे। हम यहाँ पे आज तो यहाँ पे जल पानी आ गया, पहले पानी नहीं होता समय में, हमको बड़ी दूर दूर से पानी लाना होता था, आज हमारे को ये सुविधा है कि भी अगर लाएं भी और अगर आए भी कोई चीज़। मैंने 7,000 की गाड़ी रेत की मंगवाई है अभी एक, और 8,000 रुपये कैरेज का दिया है उसका मैंने। अगर हमको ये सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारे से टैक्स क्यों ले रहे हो, क्यों हमारे ऊपर ये चीज़ें थोप रहे हो। इससे हमको भी निजात मिले, सरकार को सहयोग हम भी दे रहे, सरकार हमारी भी सुन ले। मैम, कम से कम कोई 22-23 साल से तो मैं भी रह रही हूँ, जो वैसे सर्विस करती थी शिमला में ही, तो 22 साल से तो हम, मैं खुद रही, बाकी कोई कम से कम 35 साल से हमारा मकान जो बना हुआ है हम जाट में जी। तो समस्या तो ऐसी है कि कोई हारी बीमारी में कोई ऐसी समस्या आ जाए कि कोई आदमी मतलब उठा के ले जाना पड़ता है, मतलब कोई गाड़ी का तो कोई है ही नहीं यहाँ से कोई, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। मैं खुद गिरी यहाँ से, तो मेरे को उठा के गया, उठा के भी बड़ा मुश्किल हुआ कि कैसे ले जाएं, पीठ की प्रॉब्लम थी, जिसकी प्रॉब्लम फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई कि ना मैं पीठ में हूँ ना कैसे भी नहीं, तो इतनी प्रॉब्लम है, तो सबकी है मेरी, क्यों मतलब इतने लोग रहते हैं यहाँ पर,
उनके लिए सबके लिए प्रॉब्लम है। यहाँ आप देख सकते हैं जो महिला हैं उनकी भावनाएं आपको जो है वो बता रही होंगी कि किस तरह से जो है यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है वो तरस रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जो है वो मजियाट वार्ड जो है एरिया है वहाँ से हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं क्या क्या दिक्कतें उन्हें पेश आ रही है। और अभी मुझे जो है वो अंकल मिले हैं। सबसे पहले अंकल मैं आपका परिचय तो जानना चाहूंगी लेकिन उससे पहले यही पूछूंगी कि अभी कैसे हैं आप, कैसा आपका स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य खराब है जी, हमारा बीमार रहते हैं जी, बीमार रहते हैं। रास्ता भी नहीं, देख लो आपके सामने कोई बीमार हो जाए तो बहुत मुश्किल है जी। ये हमारे एक बुजुर्ग गिर गए बेचारे, यहाँ ले जाने के लिए भी नहीं चाहिए जी, फिर उठा के ले गए बेचारों को, कोई कुछ और नहीं सुविधा नहीं जी। जी क्या मांग करते हैं आप सरकार से? यहाँ पे थोड़ा एम्बुलेंस का रास्ता होना चाहिए जी। क्या नाम क्या है सर आपका? नाम मेरा रूपचंद जी। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं अब बचपन से यही है, मेरा जन्म स्थान है जी। बचपन से आप यही है और बचपन से जो है यहाँ पर सड़क की सुविधा जो है वो आज दिन तक उपलब्ध नहीं है। नहीं था जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बड़े सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बचपन से यहाँ रह रहे हैं, आपसे एक सवाल रहेगा कि कितने लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं लगभग बता दीजिए। जब हम जब से छह मकान थे जी जी, आज इतना ही जनता है जी। यहाँ देखो रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है जी जी। किसी टाइम छह मकान होते थे यहाँ परे से लेके उधर तक जी। और अब आज तो देख लो कितना है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो दौरा कर रहे हैं वार्ड का और यहाँ पर जो है हमारे साथ एक और जो है शख्स भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे आपका। हम लोग जो है वो मजियाट वार्ड आए हैं, यहाँ पर जो लोगों की परेशानियां हैं या कुछ समस्याएं हैं उस पर हम बात जरूर कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं इस वार्ड की? सबसे मेन तो ये रोड आपने देखा ही होगा, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जी। अभी पहले तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी इस रोड की ना, तो जैसे हम लोग भी लेट आवर्स में आते हैं तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी जी। अब रोड बनने भी लगा था, काफ़ी काम कर भी दिया है, बट अब रेलवे ने स्टे लगा दिया तो हम लोग भी थोड़ा सा निराश भी हैं इस बात की जी। तो आप क्या मांग करते हैं वैसे कि रेलवे ने तो यही चाहते हैं कि ये एम्बुलेंस रोड निकलना चाहिए, क्योंकि जब भी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, प्रॉब्लम तो है ही सबको जी। तो एम्बुलेंस रोड तो एटलीस्ट होना चाहिए, ये तो मस्ट है, रिक्वायरमेंट है आज की, कभी नीड दैट जी। सर अपना परिचय बताएं और क्या कुछ समस्याएं जो है वो आप लोग यहाँ पर मजियाट वार्ड के लोग जो है वो झेल रहे हैं? ऑलराइट, मेरा नाम गुरदीप सिंह उपल है, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ वार्ड नंबर 7 मजियाट, टूटू शिमला 11। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ पर ये है कि वी डोंट हैव द एम्बुलेंस रोड। अगर किसी कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, किसको चोट लग जाती है तो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। और अभी रिसेंटली मेरे फादर हुई 90 ईयर ओल्ड, वो गिर गए थे तो उनको हम स्ट्रेचर पर बहुत मुश्किल से ऊपर तक लेके गए हैं। पहला तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर एम्बुलेंस रोड चाहिए। इसके अलावा पार्किंग की बहुत समस्या है और मेरे लिए तो सारे शिमला में है, इसके बारे में कुछ अगर डीपली सोचा जाए तो वी विल बी थैंकफुल। वैसे अगर अभी हम बात करें तो काम शुरू हो गया था, काम तो चल रहा था सड़क का आपके यहाँ का, लेकिन क्या कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि वैसे तो रेलवे ने इस पर जो है वो अपना एक कह सकते हैं मोहर लगा दी कि नहीं ये मेरी जमीन है इसलिए यहाँ पर काम नहीं होगा, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास तो सिर्फ यही जो वार्ड है यहीं पर ही ये वाली समस्या है, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर अभी सड़क निकली है और वो रेलवे के अंदर थी, लेकिन ऐसा क्या आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस तरफ में जी? रेलवे की जो प्रतिक्रिया है वो मेरी समझ से बाहर है, हमारे जो दूसरे जो निवासी हैं उनकी समझ से भी बाहर है। हमने काफ़ी मंथन किया इस बात के ऊपर, रेलवे ट्रैक से जो हम रास्ता चाहते हैं वो काफ़ी दूर है। और इसके अलावा अगर आपने पीछे से अगर आप टच में रहे होंगे तो 48,000 झुग्गियों को सुप्रीम कोर्ट ने जो कि रेलवे लाइन के किनारे पर थी उसके ऊपर रोक लगाई है कि उनको ना हटाया जाए। हमारे तो यहाँ पर किसी ने कोई मकान नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया, जस्ट वी वांट अ सिंपल रोड ताकि बुजुर्गों के लिए, एम्बुलेंस के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अगर कभी हॉस्पिटल किसी को ले जाना पड़े तो एम्बुलेंस आए और यहाँ से ले जाए। और रेलवे का रेलवे लाइन से बहुत दूर है हमारा, जो भी हम ये जो हमारे ये काउंसलर मिस्टर दिवाकर जी जो कर रहे हैं, जिन्होंने ये कार्य शुरू किया था, अंत तक हम पहुँचने वाले थे कि बीच में रेलवे वालों ने अपना ये मैं तो कहूँगा टांग अड़ा के सर हमारा काम रोक दिया, एंड दिस इज वेरी सैड। और मजियाट में हमारा बसने का कारण ये था मैडम, ये जो हमारा रोड था एक राजाओं के टाइम में एक बोगी जाती थी जी, और 16-17 फुट डीप फुट थोड़ा रोड था और वो बोगी जाती थी इधर से होती, वो रोड आज लोगों ने इंक्रोच किया जो भी है बंद हो गया हुआ है। तो एक तो इसलिए बस भी रोड है यहाँ, तो जब प्रैक्टिकली वो खत्म है रोड। अच्छा फिर रेलू का दिवाकर जी की अध्यक्षता में ये बना है रोड बढ़िया, पर अब रेलू वाले नहीं मान रहे। मैंने बात की थी एक दिन रेलू वाले से तो वो बोलते हैं जी ये रेलू की प्रॉपर्टी, मगर रेलू किसकी है? पब्लिक की प्रॉपर्टी रेलू है, तो जब पब्लिक को कन्वीनियंस नहीं है तो रेलू फजूल की एंट्रेंस कर रहा हूँ।
ये पब्लिक की प्रॉपर्टी, रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे इंडिविजुअली क्या है, पब्लिक, पब्लिक की प्रॉपर्टी जी। ये मैं तो खुद ही बात की थी जी। आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे? कारण तो मैडम अब रेलवे के बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे कुछ नहीं जी। हाँ, कारण तो क्या मांग करते हैं आप? हमारे को एम्बुलेंस रोड मैडम बहुत जरूरी है। मेरे साथ पर्सनल घटना घटी थी, मैं एक बार गिरा था आज से को 8-10 साल पहले यहाँ ऊपर बस स्टैंड पे, तो मुझे मतलब क्या रेगुलर इंटरवल पे हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो मुझे बहादुर ले जाता था, चक्के 400 रुपये लेता उस वक्त, कोई 15-20 बार मुझे चक्के ले गया, मैंने 8-10 हज़ार उस वक्त अपने अप डाउन कर दिया, तो उस वक्त आज भी वैल्यू उसकी 60-70 हज़ार। तो हमें रोड की तो बहुत आवश्यकता है। ये तो हर गाँव में ऐसी ऐसी जगह रोड है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ शहरों में रहते हुए स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, रोड है लोगों का मतलब। यहाँ पे एक्चुअल में ना जो एम्बुलेंस रोड के लिए ट्राई किया था काउंसलर साहब ने हमारे, तो उसमें रेलवे ने थोड़ी सी यहाँ पे वो कर दिया है, बंद कर दिया है काम। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों को रेलवे लाइन से चलना पड़ता है, उससे भी थोड़ी रिस्की हो जाता है। बाकी नहीं तो यहाँ से हमारा रास्ता बहुत बढ़िया रहना था। अब अगर एम्बुलेंस रोड बन जाए तो पेशेंट वगैरह ने तो उठा के लाने पड़ते हैं यहाँ, आगे तक थोड़ा दूर पड़ता है। अगर एम्बुलेंस रोड बन जाता है तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँच के फिर पेशेंट की जान भी बच सकती है और सबका फिर ठीक भी रहेगा। मेन समस्या तो रोड की है। अब रोड की ना आने की वजह से हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़ी मुश्किल से सामना करना पड़ता है। मेन तो यही, जब बूढ़ा आदमी या बीमार आदमी को ले जाना पड़ता है, मेरे मदर 2-3 बार वो कोई 75-80 के आसपास के हैं, वो बीमार हुए, रात को बीमार हुए, तो हमें रेलवे स्टेशन था वो पीठ में उठा के ले जाने पड़े वो जी। तो ये मेन समस्या है। फिर और रेलवे की वजह से फिर रास्ता भी प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ महिलाएं जाती, तो कई बार दुर्घटना हुई, 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि रेलवे की वजह से चोटें आई है, कुछ गए भी उनके नीचे आई, तो एक बार ट्रेन से एक अंदर में सामान गिरा तो उसका स्तर फट गया था, वो लीडी किसी टूरिस्ट ने बोतल फेंकी थी। तो ऐसी और भी कई घटनाएं घटती रही हैं। तो राजधानी की इतना नज़दीक रहते हुए भी और ये इतना पिछड़ा हुआ गाँव लगता है, उधर से करेंगे स्मार्ट सिटी या सबसे नज़दीक है ये राजधानी के ये गाँव, तो कहीं रोड आ जाते हैं, 4-5 हज़ार लोगों की यहाँ ये पूरी लोकेशन है, इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, मगर ये बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार इस तरफ को बिल्कुल अनदेखा है, कि इस तरफ कोई इस तरह की सोच ये या कोई ऐसा निकाल पाती है कोई ऐसा अल्टरनेटिव कि इनके लिए थोड़ा एक रोड की समस्या जो हल हो जाती है। और रोड कहते हैं कि रोड एक लाइफ लाइन रहती है, मगर हमारे लिए तो डेड लाइन है ये, इसकी वजह से सारे हमारे स्टूडेंट विकास और सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। ये तो रोड आ जाता तो हमारी थोड़ी समस्या हल हो जाती और एक हमारा भी गांव स्मार्ट गांव बन जाता है। रोड की मेन समस्या है, तो रोड के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब हमारे यहाँ के पार्षद हैं वो काफ़ी लोगों के सहयोग से कर रहे हैं, मगर रेलवे वाले ये बीच में ये हर जगह ये हमारी लाइन है, मगर आप देखें तो ये रेल लाइन कितने शहरों से और किस जगह जाती है, उनके साथ भी तो मकान बने हैं, शहर बसे हुए हैं, मगर यहाँ के अलग कानून है। हेरिटेज अब क्या रेलवे लाइन की कीमत क्या यहाँ की हज़ारों लोगों की कीमत से ज़्यादा है, जो लोगों के लिए इतनी समस्याएं ये क्रिएट कर रहे हैं इधर? क्या समस्या? मेरा नाम काजेश्वरी शर्मा है, तो हमारी यही समस्या है कि यहाँ से हमारे को एम्बुलेंस रोड बहुत जरूरी है जी। एम्बुलेंस रोड बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते, मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मुझे कितनी बार बच्चे पकड़ के ले जाते, मेरी दोनों आंखें बैठ गई थी, जान ले आ गए थे आंखों में, तो जितनी बार टेस्ट के लिए ले जाना, ट्रीटमेंट के लिए ले जाना, तो पकड़ के बच्चे ले जाते हैं जब बड़ी मुश्किल से। तो यही मांग है हम लोगों की कि एम्बुलेंस रोड निकल जाए यहाँ पर। हमारी सबसे बड़ी और सबसे मेन एक ही समस्या है जो मतलब रोड नहीं है यहाँ पर, और रोड ना होने की वजह से एक तो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके पैरों में कई बार इतनी चोट लग जाती है, और हमेशा मतलब मदर को साथ नहीं होना पड़ता, जो थोड़े बड़े भी होते हैं नहीं तो वो इजीली आ सकते हैं, ऊपर रोड इतना गंदा है तो इसलिए उनको साथ में बच्चों के साथ में माओं को रहना ही पड़ता है। और रोड नहीं होने की वजह से जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, आपको टेस्ट के लिए कहीं तो जा ही नहीं पाते हैं, वो इसीलिए नहीं जा पाते हैं कि बार बार, क्योंकि आप एक बार ही जाएंगे डॉक्टर के पास फिर वो टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, तो आप दूसरे दिन दोबारा वो पेशेंट कैसे जाएगा बार बार, आप ये बताइए। रोड नहीं होगा तो हमारी तो एक ही गुजारिश है कि रोड बने, क्योंकि रोड में पूरा तैयार हो चुका है, हमारे दिवाकर भाई ने कितना काम किया है, यहाँ पूरी रोड बन चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन जो मेन है वो जो वहीं पर ही रुका हुआ है काम, जो रेलवे नहीं मान रहा है, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इसको करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग इसके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्लीज़
हमारी आप आगे तक गुहार लगाइए और बताइए सरकार को कि ये हमारी एक मेन प्रॉब्लम है। दादी जी कैसे हैं आप? ऐसे जी कान से मेरे कान से सुनाई देता ना, आंख से देखता दिखता ही नहीं, आंख से कम है। तो अभी आप कहाँ से आ रहे? रास्ता टूटू से। हाँ जी। तो कैसे आए आप? रास्ता डंडा लेके आए। डंडा लेकर? सड़क थी ऊपर? हाँ नहीं, ऊपर तो नहीं थी, रेलवे आई जी सड़क है जनाब। नहीं है ना सड़क? नहीं, तो सड़क होनी चाहिए। हाँ जी जी, सड़क होनी चाहिए गरीब बूढ़े आदमी को, बूढ़े आदमी को सड़क होनी चाहिए। हाँ, हाँ। आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग इंसान है वो भी मांग कर रहा है कि यहाँ पर सड़क जो है वो होनी चाहिए। शानिया में आने जाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बीमार हो स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ता है। मेरे बेटे के 2 बारी पैर फ्रैक्चर हुआ तो मेरे को टूटू से कुली करना पड़ा, कुली के पीठ में ले जाना पड़ा बेटा मेरे को 2 बारी। और मुझे आठ में क्यों नहीं रोड आना आएगा, जब सब जगह रोड आ रहा है, रेलवे ट्रैक के साथ रोड है, सोलन में, कालका में, सब जगह रोड आ रहा है, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? बल्कि रोड ऐसी जगह से आ रहा कि रेलवे ट्रैक का लेना देना कोई नहीं है इसमें, कि भाई ट्रेन रोकनी पड़े, साइड से रोड निकाला हुआ है, सब लोगों के लिए फैसिलिटियाँ होनी मैम इसमें। रेलवे ट्रैक वाले क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे इसके लिए, ये तो बड़ी बात है ना, क्योंकि हमारे देखो सब जगह रोड है, गाँव में रोड चला गया, ऐसी ऐसी जगह में रोड चला गया जहाँ रोड जा नहीं सकता है, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है रोड आने के लिए? ये तो है बात में, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कई बार ट्रेन आती है, आने जाने की कितनी दिक्कत हो रही है। रेलवे ट्रैक से तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारे को साइड से रोड चाहिए, वो हमारे को रोड चाहिए चाहिए चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि ये तो हमारे कौंसलर भाई साहब ने इतनी परेशानियाँ झेल रहे रात दिन एक करके, रोड के लिए, पानी के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, हमारे तो 4-5 कौंसलर बन चुके, 4th कौंसलर आए जिन्होंने आज हमारे को इतना देखा कि हमारे घर घर तक लाइटें लगी, हमारे घर घर तक रास्ते बने, पानी की बड़ी दिक्कतें होती थी, हेडपम्प से हम पानी ढोते थे। आज हमारे जब ये कौंसलर भाई साहब आए 4th तो इन्होंने हमारी फैसिलिटी, हमारे को हर एक चीज़ों की फैसिलिटियाँ दी है कि नहीं मैम? बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि बाकी तो लोगों को दिख रहा कि भी क्या फैसिलिटियाँ चाहिए हमारे को। हमारा जो भी बेसिक कंसेप्ट है यहाँ मूलभूत सुविधाओं का, वो पानी है, सीवरेज पाइपलाइन है, या सड़क है जी। या कोई और मुद्दा जो इंसान से मतलब बेसिक मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है, वो रेलवे की वजह से हमेशा अटक रहा है। आज नहीं, 40 साल पहले से लेके ये हर मतलब अपनी जो रेलवे की लैंड है ये सिंगल पाइप में ही क्रॉस नहीं होने देते जी। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या मतलब वर्ल्ड हेरिटेज आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज तारा देवी से लेके जो 2 स्टेशन के बीच में है, उससे पीछे भी शायद हम नहीं देख रहे, पूरा हिमाचल देख रहा है कि कितनी कितनी जगह इन्होंने कहाँ कहाँ पे लोगों को मतलब रिलैक्स किया, रोड दिए, हर एक चीज़ इन्होंने क्रॉस होने दी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो उनके कोई ईगो की प्रॉब्लम है या कुछ और है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य बात भी है कि समझना मुश्किल हो रहा है कि ये कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ ये इशू आ रहा है कि रेलवे वाले जो है वो एक मूलभूत सेवाएं जो कि सड़क जो है वो मांग कर रहे हैं, और एक इंसान अगर मांग करता तो शायद होता कि चल कोई बात नहीं, एक ही तो घर है। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों आपको बता दूं कि 4000 लगभग 4000 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं कि एम्बुलेंस रोड जो है वो यहाँ पर होना। जब हमने MC में हमको मिला लिया, पहले ये एरिया पंचायत में होता था, तो हम ये सोचते थे कि हम MC से बाहर हैं, पर अब जब MC में आ गया, MC ने लाखों करोड़ों रुपया इसमें जो खर्च कर दिया, हमने ये जो छोटा बच्चा रोड बना भी, ये भी खुद हमारे अपने बच्चों ने जो खुद बनाया है, हमको एक पेशेंट को या एक गर्भवती महिलाओं को यहाँ से स्ट्रेचर रखा हुआ, हमने स्ट्रेचर पे ले जाते हैं। हम ये नहीं समझे भाई, जब अगर रेलवे को इतना ऑब्जेक्शन था तो हमको ये ट्रेस क्यों करने दिया, पहले क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया? जब इसमें लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का खर्च हो गया, हमारी 1 साल लगा हमको वहाँ से वहाँ तक लाने के लिए, 1 साल लगा इस रोड पर, तो अब क्या रेलवे को प्रॉब्लम आ गई? कौन सी जगह ऐसी जहाँ रेलों में, दिल्ली में हम देख रहे थे हर एक रेलवे लाइन के साथ एनक्रोचमेंट है, अवैध कॉलोनियाँ वहाँ बनी, वहाँ तो रेलवे कुछ नहीं बोलता। पार्टिकुलरली इसी एरिया में जो कि एक मेन समस्या है, यहाँ हम और कुछ नहीं मांग रहे, हालांकि अभी तक हमको पानी नहीं आने देते थे यहाँ से, और तो क्या कच्चा रास्ता था उसको भी पक्का करने नहीं देते थे। अब जब इतना हमने डेवलपमेंट इसमें कर दिया तो अब क्या रेलवे का क्या प्रॉब्लम? हम तो रेलवे से अब यही कहेंगे कि अगर आप भी हमको कॉपरेट नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे, और हमारा जो है हम धरना देंगे, हम रेल को आगे नहीं जाने देंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल, यहाँ जो है आक्रोश आप देख सकते हैं लोगों का, और आक्रोश जो है हमें लगता है ये बिल्कुल आक्रोश जायज है, क्योंकि लोगों की जो वो मांग है वो लोगों की मांग है जो सरकार दावा करती है। सरकार दावा करती है कि हर घर तक जो है वो एम्बुलेंस रोड पहुंचना चाहिए, ऐसे में जहां पर 4000 लोगों की आबादी हो वहां पर एम्बुलेंस रोड ना हो, लोग मूलभूत सेवाओं के लिए तरस रहे हो,
फिर जनता वोट किसको दे? जनता वोट देती है सरकार को, ताकि सरकार जो है वो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनको सरकार पूरा करे। ऐसे में अगर सरकार ही आंखों में पट्टी बांध दे और इतना सब कुछ देखते रहे, जो कि हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ से पीड़ितों को स्ट्रेचर में कंधे पर जो है बिठा कर ले जाया जा रहा है, बुजुर्गों को किस तरीके से जो है वो रास्ता पार करवाया जा रहा है, ये सारी तस्वीरें जो है आप वो यहाँ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो मौन बैठी हुई है। आखिर क्यों? जनता जो है वो जवाब भी मांगेगी और जनता आने वाले समय में जो है वो, जैसे कि उन्होंने बताया कि धरना यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो है वो रेल तक भी रोकी जाएगी, क्योंकि ये जनता की मांग है, जनता चाहती है कि हमें जो है वो रोड मिलना चाहिए। 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है हम लोग कई सालों से लड़ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई मतलब हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाए तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जो है कंधे में उठा के या स्ट्रेचर पे उठा के हमें मतलब रोड तक जाना पड़ता है। तो हमने रेलू वालों से कई बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे को ये मूलभूत सुविधा, खासकर एम्बुलेंस रोड, इसके बारे में सुविधा दी जाए, ताकि मतलब महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जो है इसकी सुविधा मिल सके। मूलभूत सुविधाएं मात्र एक व्यक्ति हो या 10,000 सरकारी विभाग को या किसी विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सभी को सुविधा दी जाए। मैं आपको बताऊं यहाँ 4-5 या ये मान लीजिए कि हर साल एक व्यक्ति इस वजह से हमारे यहाँ गुजर जाता है कि हम उसे टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते। यहाँ से एम्बुलेंस रोड तक ऊपर रेलवे स्टेशन तक पहुँचाते ही बहुत से हमारे बुजुर्ग इसलिए गुजर गए कि हम, या कोई पेशेंट इसलिए गुजर गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो आप बताइए आप यहाँ से पहुँचा सकते हैं उसे? कितना मुश्किल है, उसे स्ट्रेचर पर पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं कि ये रेलवे लाइन जो है दोनों तरफ आबादी है और इस एम्बुलेंस रोड का दोनों आबादियों को फ़ायदा होगा और कम से कम जो 4,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। ये मुद्दा हमारे माननीय पार्षद जी की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से, कई तरीके के फोरम से प्रदेश सरकार को और तो और PMO ऑफिस तक पहुँचाया गया, लेकिन आज तक इसके बारे में कभी कुछ किया नहीं जा सका। गांव के लोगों ने अपनी मेहनत करके ये इस रोड को और MC ने इसे एक जीपेबल बना दिया है और इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। सिर्फ समस्या एक यही है कि वहां से रेलवे वाले क्रॉसिंग नहीं दे रहे जी। बस मात्र यही एक समस्या, अगर ये मिल जाती है तो आप बताइए कितने लोगों को ये इसका सुविधा होगी। और हम तो सिर्फ एम्बुलेंस रोड मांग रहे हैं जी। तो इसके लिए अब बिल्कुल यहाँ पर जो है, मैं आपको दर्शकों बता दूं कि जब हम लोग गांव में होते हैं या हम नगर पंचायत में आते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम नगर निगम में आएं, हम MC के एरिया में आएं, ताकि जब हम MC के एरिया में आएंगे तो हमें मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए हम लोग तरस रहे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो सड़क है, वो सुविधाएँ हमको मिलेंगी। लेकिन ऐसे में एक मझियाट वार्ड जो कि 4,000 से लगभग यहाँ पर जो है वो आबादी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर जो हमने आज यहाँ पर आकर जाना है वो ये जाना है कि यहाँ पर व्यक्ति की जो मौत हो रही है वो सिर्फ इस कारण हो रही है कि उसे समय से जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते, वो भी इस कारण कि यहाँ पर सड़क नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सरकार को जो है, जो सरकार अभी गहरी नींद में सोई हुई है, यहाँ पर उसको जागना पड़ेगा। जो कान में जूं अभी तक नहीं रेंग रही थी सरकार के, मुझे लगता है कि अब आपको जागना पड़ेगा और ऐसी नींद से जो कि आप जिसे कह सकते हैं आप घोड़े बेचकर जो आप सोए हुए हैं, ऐसे में आपको जागना पड़ेगा। और ये जो गांव वाले हैं इनकी आपको मांग, जो मांग है इनकी, और वो मूलभूत मांग यही है कि वो सड़क चाहते हैं। और सड़क जो कि सारे में आपने सड़क दी है, सभी जगह आपने सड़क पहुँचाई है, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी है जो कि आप तस्वीरों में भी देखेंगे, यहाँ पर सड़क की जो है वो पर्याप्त यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं सड़क बनाने के लिए किसी का भी घर या कोई यहाँ पर पेड़ या फिर किसी की जमीन यहाँ पर नहीं आ रही है। खास बात, जब भी किसी सड़क को हम लोग निर्माण करते हैं या किसी सड़क का निर्माण होता है तो वहाँ पर PWD वाले या फिर वहाँ के लोग जो है, या फिर जमीन जिसकी वो जमीन होती है, वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारी जमीन के पास से रोड ना जाए
या हमारे जो है वो जमीन कट जाएगी या कुछ ऐसे वैसे कई सारे जो है वो मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव वाले कोई भी मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। उनकी तरफ से पूरी NOC यहाँ पर दी गई है कि हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ हमारी एक मांग है जो सरकार पूरी कर दे, और वो मांग है कि यहाँ पर जो है वो 4000 लोगों के लिए सड़क जो है वो एम्बुलेंस रोड जो है वो पहुंच सके। तो अभी हम लोग जो है वो मजियाट वार्ड के एक स्थानीय निवासी हैं, जो कि अभी आप तस्वीरें देख सकते होंगे, ये वही तस्वीरें हैं, यही अंकल जो है यहाँ पर गिर गए थे। कैसे गिरे ये भी हम जानेंगे, लेकिन गिरने के बाद क्या कुछ समस्याएं इनको झेलनी पड़ी। हम कहते हैं, हम लोग जो शिमला सिटी की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और ऐसे में 7 किलोमीटर दूर ये मजियाट वार्ड जो है उसमें इस तरीके से, जो कि आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर एक बुजुर्ग को स्ट्रक्चर में लेटा कर ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो सड़क की समस्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा था वो मंजर, कैसे अंकल गिरे, उसके बाद किस तरीके की आपको परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी। जी, क्योंकि ये रास्ता इतना खराब है कि अगर हम थोड़ा सा भी बुजुर्गों को ले जाना चाहते हैं या ऊपर या नीचे, तो ये अचानक गिर गए। और जिस दिन हमने ले जाना था, यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, रास्ता इतना गंदा है कि हमें इनको ले जाना बड़ा मुश्किल हुआ। तो उसी समय हमारे जो काउंसलर हैं मजियाट के श्री दिवाकर जी, उनको हमने फोन किया, उन्होंने स्ट्रेचर मंगवाया। उसके बाद हमारे पास 6 लड़के आए जो बड़ी मुश्किल से इनको सड़क तक ले गए। तो ये डेली का काम है कि बुजुर्गों को ले जाना, बीमार होते हैं, इनका रीचेकअप होता है, और डेली ले जाना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेली आप लोग जो है उसे अंकल को जो है वो स्ट्रक्चर पर ही लेकर जा रहे हैं, ले जाना पड़ता है हमें स्ट्रक्चर, या फिर हमें बहादुर भी कई बार करने पड़ते हैं कि उनको ले जाना पड़ता है। जी, 92 ईयर इनकी एज है, तो इनको कितना मुश्किल है ले जाना। कितने बुजुर्ग जाते हैं यहाँ पर, और लोग गिरते हैं कई बार यहाँ पर रास्ते में, कई लोग गिरते हैं। चलो ये तो हम मान सकते हैं, अच्छे लोग भी यहाँ गिर जाते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंकल हैं ये गिरे थे, और जब ये गिरे थे तो इन्हें स्ट्रक्चर पर ले जाया गया था, और भगवान, हम कह सकते हैं कि भगवान ने साथ दिया, या फिर किसने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया कि कुछ अनहोनी जो है वो होने से यहाँ पर बच गई, और इन्हें जो है किसी ना किसी तरह हॉस्पिटल जो है वो जल्द से जल्द पहुँचाया गया, चाहे वो स्ट्रक्चर में पहुँचाया गया, लेकिन एक मांग अवश्य रहेगी यहाँ पर कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक एम्बुलेंस रोड यहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द पहुँच सके। अभी हमारे साथ जो है वो मजियाट वार्ड के पार्षद भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि हमने आज इतने लोगों से बात करी, हम आपके वार्ड तक पहुंचे, और यहाँ के जो वार्ड है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि शिमला जैसी सिटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में आपका वार्ड पड़ता है, और इस वार्ड में लगभग 4000 से ज्यादा की आबादी जो है वहाँ पर, यहाँ पर लोग रहते हैं, बावजूद इसके यहाँ के लोग मूलभूत सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप इनकी मूलभूत सेवाओं के लिए आवाज उठाएं या आप जो है इस पर काम करें? जी जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे वार्ड की आबादी 6000 है। जी, जिस सड़क को लेकर हम मांग उठा रहे हैं वो मांग 4000 लोगों को कहीं ना कहीं कैटर करती है। जी, आप जहाँ से चले आपने देखा होगा कि सफिशिएंट स्पेस हमारे पास उपलब्ध है। जी, सिर्फ एक रेलवे के कारण हम लोगों को सुविधा देने में संभव नहीं हो पा रहे। जी, रेलवे के साथ क्या, जैसे आपने कहा कि लोगों की समस्या को हमने उठाया नहीं। जी, तो लगभग हर मंच पे ये समस्या उठी है। जी, ये लगभग हम जिस दिन बने थे 18 से लेके आज 20 आ चुका है। जी, लगातार हर विभाग से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है इस संदर्भ में। पहले मैं अम्बाला दिल्ली भी कई चक्कर काट चुका हूँ, और माननीय जो रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल जी उनसे भी मिला हूँ, शहरी विकास मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज से भी मिला हूँ। लगातार ये क्रम जारी है। मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाऊँ तो हमने PMO ऑफिस तक भी इस संदर्भ में लिखा है, वहाँ से भी एक सकारात्मक परिणाम आया था, परंतु अभी तक जमीनी स्तर पे हम लोगों को सुविधा देने में नाकाम रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें रेलवे अड़चन पैदा कर। यहाँ पे बिल्कुल, मैं आपको एक बात और बता दूं दर्शकों कि ये जो कार्य है, जो कि आप तस्वीरें देखेंगे कि ये जो कार्य है ये लगभग हम कह सकते हैं कि 1-2 साल पहले से चल रहा था। तो ऐसे में क्या रेलवे ने कभी आपको, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जब ये कार्य शुरू हो रहा था तो उस समय क्या रेलवे ने आपके ऊपर या कोई अड़चन नहीं डाली, क्या उसने उस समय रोक नहीं लगाई कि नहीं ये मेरी जमीन है या फिर नहीं आप इधर काम नहीं कर सकते? क्या आज जब इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, क्या आज ये आवाज उठ रही है?
रेलवे ने शुरू से ही हमें समस्या दी है, ये आज की बात नहीं है, जब से रेल चल रही है तब से लेके हमें समस्या है। ये कहीं ना कहीं हमें पहचान है अदरवाइज कि ठीक है हम कहीं रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द रहते हैं, परंतु ये बॉटल नेक जो हमारे लिए बना हुआ है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गले की फांस है। ट्रैक से हमें कोई लाभ नहीं है जी। हमारे लोग कोई भी दिनचर्या के जीवन में अपना इसको रेल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर रेल बंद भी होती है हमें कोई आपत्ति नहीं जी। हमें जो विशेष आवश्यकता है वो एम्बुलेंस रोड की है। जैसे अभी आपने सभी लोगों से जाना भी होगा, शायद सभी लोगों ने बताया अभी रिसेंट भी हमारे यहाँ काफ़ी बुजुर्गों को ले जाना पड़ा, तो स्ट्रेचर का हमको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। 7 किलोमीटर दूर हमारा वार्ड है। आज अमृत स्मार्ट सिटी JNNORM जैसी अनेकों योजनाओं के बावजूद, नगर निगम का भाग होने के बावजूद हम लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जी। लगभग सभी अथॉरिटीज के समक्ष ये सारी बातें रखी गई है जी। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि रेलवे ने रोका नहीं, रेलवे आए दिन हमको नोटिस जरूर दे देता है जी। कभी लोगों को धमकाया था कि आप 80 फुट दूरी पर रहे, 80 फुट तक हमारी जमीन है। ये आपको पहला वार्ड दिखेगा शिमला से लेकर कालका तक जहां 80 फुट का एक क्लेम किया जाता है और जो दिखता भी है जी। जहां 80 फुट जमीन है, आप तारा देवी जाइए, आप समरहिल जाइए, हर जगह लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई जी। दूसरी जगह जाएंगे तो लोगों के घर टच करता हुआ निकल जाता है। अभी रिसेंट अगर आपको याद हो तो जबली और चंबा घाट जहाँ जिंदगी भर फाटक हमने देखे हैं, आज वहाँ यहाँ विश्व धरोहर कहा जाता है। ये विश्व धरोहर सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए नहीं होना चाहिए जी जी। वहाँ जाके फाटक आज हटा दिए गए हैं, आज वहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं जी। ये सुविधा हमारी भी है और हमारे लोगों की भी है। ये सुविधा हमको मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर हमको संघर्ष करना जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, क्या कारण रहेगा कि एक मजियाट वार्ड के साथ ही इस तरीके की अनदेखी की जा रही है? क्या कुछ कारण रहे होंगे? क्या आपके साथ तो नहीं कोई जो है कह सकते हैं कि आपसे कोई जो है वो आपको दिखा रहे हो कि कोई द्वेष आपके से होगी या कोई ईर्ष्या आपसे होगी? ऐसा तो नहीं है कि इसलिए वो, या कोई राजनीति इस पर चल रही होगी इसलिए मजियाट वार्ड का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसीलिए रोका जा रहा है? अदरवाइज अगर हम कहीं भी देखें तो कहीं पर, अगर जैसे ही आपने मुझे बताया है कि जाबली में इस तरीके का था, या दिल्ली जैसी हम सिटी की बात करें वहां पर भी ऐसा है, लेकिन वहां पर जो है वो ओवरब्रिज बनाए गए हैं या फिर वहां पर जो है एक तरह से अलग से फ्लाईओवर बनाए गए हैं, यहां पर ही क्यों इस तरीके का जो है वो हमें अनदेखी देखने को मिल रही है? ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु यहां दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है जी। जैसे कि आपने देखा कि पूरे ट्रैक में कहीं ना कहीं लोगों को लाभान्वित करने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है जी। हम भी एक जायज मांग उठा रहे हैं, 4,000 लोगों को सुविधा मिलेगी जी। और सुविधा प्रदान होनी चाहिए जी। अन्यथा आप देख रहे हैं संघर्ष हमारे लिए एक अंतिम रास्ता रहेगा जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे शिमला के ही शहरी विकास मंत्री अगर हम बात करें सुरेश भारद्वाज जी, क्या कभी आपने, क्योंकि जब शहर का मुद्दा आता है, शिमला शहर का मुद्दा आता है, तो हमें याद आती है हमारे शहरी विकास मंत्री की जो कि सुरेश भारद्वाज जी है, क्या कभी आपने उनसे इस समस्या को जो है उन्हें भी अवगत करवाया था इस समस्या के बारे में? निश्चित तौर पे अभी शहरी विकास मंत्री जैसे आप कह रहे हैं सुरेश भारद्वाज जी अभी नए बने हैं, पहले सरवीन चौधरी जी थे जी। हमने उनको भी कॉरेस्पॉन्डेंस की थी, वहां से भी जवाब आया था, परंतु उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया जी। जब से शहरी विकास मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज जी बने, इनसे भी मिले हैं, इन्होंने कहा है कि हम इस पे कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम लाने के लिए प्रयास करेंगे, हम इंतजार में हैं, प्रयास होंगे तो अच्छी बात। तो अभी क्या लगता है आपको, ये जो अब मूलभूत जो हमारी आपकी मांग है सड़क जैसी, जो ये जो मूलभूत मांग है, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में क्या कुछ हम आक्रोश देखेंगे या कोई संघर्ष या कोई आंदोलन हमें जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा? पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत सी समस्याओं से ये वार्ड जूझ रहा है जी। अभी आपने जहां देखा होगा हमने गाड़ी लगाई तो वहां पार्किंग की भी समस्या है जी। जहां तक कल ही मुझे फोन आता है जितुक चौकी से कि ऊपर वाला रास्ता एम्बुलेंस रोड है, जो कि आज तक कभी भी पहले इस रोड से बसें चला करती थी, आए दिन हमारे लोगों के चालान किए जाते हैं। एम्बुलेंस रोड एक मूलभूत आवश्यकता है, जब ये रोड यहाँ से चल पड़े तो कम से कम ये गाड़ियाँ अंदर आ जाएगी, ट्रैफिक और जो पार्किंग की प्रॉब्लम है काफी हद तक रिजॉल्व हो सकती है, और रोगी वाहनों को सड़क होने से गर्भवती महिलाएं बुजुर्गों बच्चों को सबको लाभ मिलेगा। आए दिन दिनचर्या के जीवन में हमारे सभी बच्चों को यहाँ से इसी रेलवे ट्रैक से जाना पड़ता है, दुर्घटनाओं की संभावना अति रहती है। जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है भविष्य की बात, तो आगामी 1 तारीख तक, सीधा अल्टीमेटम है, आगामी 1 तारीख तक अगर सरकार कोई फैसला लेती है सकारात्मक जनहित में तो हम सोच सकते हैं, अन्यथा 1 तारीख को रेलवे स्टेशन जितो पे रेल रोकी जाएगी। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं जिस पर मैं अभी चल रही हूँ, ये जो ट्रैक है ये भी मजियाट वार्ड के अंडर मतलब अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ के जो आप दोनों तरफ के एरिया देखेंगे, ये ऊपर वाला जो एरिया है और यहाँ से जो नीचे वाला एरिया है, ये दोनों जो है एरिया मजियाट वार्ड का ही है। और यहाँ पर जो है जितनी आबादी यहाँ पर है वो सभी जो है इसी ट्रैक से होते हुए यहाँ से जो है वो अपने घर की तरफ जाती है, या किसी कार में अगर उन्हें जाना है, कोई सामान उन्होंने जरूरत का सामान उन्होंने खरीदना है, तो वो यही इसी रास्ते का, ये आप देख सकते हैं, ये इस रास्ते का जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
और इसीलिए लोगों की मांग है कि ये जो रास्ता है इसको एक प्रॉपर सड़क यहाँ पर बनाई जाए, ताकि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वो एक तरह से सहूलियत जो है वो प्रदान हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बोर्ड लिखा गया है, और बोर्ड लगाया गया है, और बोर्ड में लिखा है कि इस बोर्ड से आगे रेल कर्मचारियों को जाने की अनुमति है, अनाधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर इस बोर्ड से आगे, ये जो आप ट्रैक देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक के आगे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो यहाँ पर जो है उसे जुर्माना किया जाएगा, उसके खिलाफ हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। इस पर जो है स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आप लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये कब जो है ये बोर्ड लगाया गया है। मैम, मेरा नाम हेमराज शर्मा है जी। और जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि मकान का सामान यहीं से जा रहा है जी, और जब से ये गाँव मजाक है जी, जब से यहाँ पे वर्चस्व में गाँव मजाक है, तब से लेकर रास्ता यही है, क्योंकि और जगह से, किसी भी जगह से असेस नहीं है इस गांव के लिए जी। हमारे रेलवे से गुजारिश करने के बावजूद, एप्लीकेशन देने के बावजूद, ना तो वो हमें किसी मामले में कंपनसेट कर रहे हैं, और रास्ते के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं कि अगर इससे आगे किसी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है रेल की वजह से, तो वो अपना इंश्योरेंस क्लेम तक नहीं कर पाता है जी। उसको रेलवे से मतलब कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, और वो अपने रिस्क के ऊपर यहाँ से आके ट्रेवल कर रहा है जी। तो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब हमारी मतलब कंडीशन वैसे कैसी। अगर हम बात करें तो रास्ता कितने सालों से ये रास्ता आम जनता जो है वो इस्तेमाल कर रही थी, बाद में ही ये ट्रैक बना होगा, बाद में ही ये बोर्ड बना होगा। नेचुरली मैम, गांव तो पहले से लेके है जी, रेलवे पटरी बनी, उसके बावजूद भी रास्ते तो कहीं से थे, रास्ता यही था जी, रास्ता यहीं से चला, मजाट गांव पहले से लेके था जी। हाँ, ये अभी यहाँ पहले आबादी कम थी, अब आबादी ज्यादा है जी, लेकिन रास्ता यही रहा है, रेलवे से पुराना रास्ता जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये बेहद पुराना रास्ता है, यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं यहीं से ही उनका आना जाना रहता है, बावजूद इसके जो है ये बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है, और लोगों के खिलाफ, जो लोग यहाँ से जाएंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो मांग करता है रेलवे, कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के जो मझाट वार्ड के स्थानीय निवासी हैं, इन लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं, और मांगे कुछ नहीं, मूलभूत सुविधाएं जो है उसको लेकर यहाँ के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं, एम्बुलेंस रोड की मांग कर रहे हैं, और जनता जो है वो आक्रोश में है, और ये आक्रोश एक नया रूप लेने वाला है। 1 अक्टूबर का दिन होगा जी, हाँ 1 अक्टूबर का दिन होगा, और यहीं पर, यही वो जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जतोग, यहाँ पर शिमला स्थित ये जतोग है, 7 किलोमीटर दूर ये है, और यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन पर लोग धरना देंगे, स्थानीय लोग जो है यहाँ पर धरना देंगे। किस लिए धरना देंगे? अपनी एक मूलभूत जो उनकी मांग है कि हमें जो है एम्बुलेंस रोड मिले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ना जाने क्यों रेलवे जो है यहाँ पर एक तरह से अपना एक तरह से आधिपत्य यहाँ पर जमा रहा है, दिखा रहा है, कि क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, हम कहीं भी जाते हैं, हम जाबली की बात कर ले, हम चंडीगढ़ की बात कर ले, हम दिल्ली की बात कर ले, वहाँ पर भी रेलवे जो है एक तरह से वहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाता है कि लोग यहाँ पर चल सके, ट्रैक पर चल सके, लेकिन यहाँ पर जो है रेलवे अपनी एक लैंड का यहाँ पर आधिपत्य जमा रहा है कि ये मेरी जमीन है यहाँ पर जो है। और जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया है, बोर्ड पे भी साफ लिखा गया है कि यहाँ से जो लोग हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते। जो लोग सालों से यहाँ पर क्रॉस करे थे, जो लोग सालों से उनका रास्ता था, उस रास्ते को यहाँ पर जो है वो रेलवे द्वारा बंद किया गया है, कहा गया है कि यहाँ से वो लोग नहीं आ जा सकते। अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय जनता जो है वो आखिर जाए कहां से वो अपना रास्ता बनाए, जो 100 सालों से लोग यही जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, उस रास्ते को अचानक जब रोक दिया जाता है तो आम जनता आक्रोश में आ जाती है। और ये आक्रोश जो है आप 1 अक्टूबर को देखेंगे, यहाँ पर जो है ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए ये तस्वीर दिखा रही हूँ कि 1 अक्टूबर का दिन होगा, और यहाँ पर जो है स्थानीय लोग धरना देंगे, यहाँ पर रेल रोक दी जाएगी, और रेल इसलिए रोक दी जाएगी क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें एम्बुलेंस रोड मिले, जो कि सरकार दावा करती है कि हर घर तक जो है वो एम्बुलेंस रोड जाएगा। और यहाँ पर जो है लगभग हमने जब बात करी तो 6000 जो है लोगों की आबादी वाला ये क्षेत्र है, और यहाँ पर एम्बुलेंस रोड नहीं है, और साथ ही साथ जिस रास्ते का लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी असुरक्षित रास्ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग जो है वो रेलवे ट्रैक से होकर गुजरते हैं,
और खेद का विषय है कि यहाँ पर जो है मौत भी हो चुकी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में सरकार या प्रशासन या फिर रेलवे इस समस्या पर, जो कि लोगों की मूलभूत जो मांग है, इस पर आगामी क्या कदम उठाता है, ये हमें वक्त बताएगा। बहरहाल आज के लिए मुझे यानी कि आरती शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।